वो अंदर है। क्या हुआ? चलो चलो। दया करके छोड़ दो उसे। मुझे माफ करना प्रिया, पर मैं सिर्फ बापूजी का कहा मान रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी जिंदा रहे या ना रहे, लेकिन उसके कोख में पलता बच्चा मर जाना चाहिए। भगवती, ये तुम क्या कर रहे हो? इसी वक्त हथियार फेंक दो। नहीं फेंकूंगा, ये कोई हथियार नहीं, कवच है। बचाओ के लिए, मेरे गुना के होने वाले बच्चे के बचाओ के लिए। गलत कर रहे हो भगवती, हर सवाल का जवाब हिंसा से नहीं दिया जाता। जानता हूँ हिंसा के बदले हिंसा करना अच्छी बात नहीं है, पर मैं जज के घर में था, बाहर पुलिस खड़ी थी। मैंने सोचा था यहाँ पर इसकी जान को खतरा नहीं होगा, पर ना इसकी हिफाजत कानून कर सका और ना ही पुलिस कर सकी। जहां पर इंसाफ आसानी से नहीं मिलता, वहां पर तलवार उठाना कोई अन्याय नहीं। यह हथियार मैंने हिंसा के लिए नहीं, इसकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करूंगा।
साहब, हमारे लोग बेरहमी से मारे जा चुके हैं। चार आदमी तो सीरियस हैं, बाकियों की भी हड्डियां टूट चुकी हैं, और आपकी बेटी नहीं चाहिए। मुझे अपनी बेटी नहीं चाहिए। लेकिन चाहिए वो भगवती, मुझे चाहिए मरा हुआ। तेरी बेटी ने मेरे घर में कदम रखा था, तब से वो उस घर की बहू बन चुकी है, और उसके कोख में पल रहा वो बच्चा मेरे भाई का वारिस है। अरे अपने भाई की जान के लिए मैंने तेरे जूते तक पोछे थे, उसके बच्चे की जान के लिए मैं तेरा सर भी काट सकता हूं, समझा? है तू है कौन? एक छोटा सा पिद्दा, और मेरे तजुर्बे के आगे तेरी कोई औकात नहीं है, समझा? 10 साल भाईगिरी का तजुर्बा, 20 साल जेल में रहने का तजुर्बा, 40 साल राजनीति का, समझा? मेरा धन, सारी दौलत और ताकत सब कुछ लगा दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पेट में पल रहे बच्चे को मैं पैदा नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। उसे धरती पर आने से पहले खत्म कर दूंगा मैं। ईश्वर पांडियन MA LLB MP को दूसरे दिन का सूर्योदय नसीब ना हो। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो उस बच्चे के लिए मैं यमराज। तू यम है तो मैं शिव का अवतार हूं जो बचाएगा। तू नफरत के लिए हथियार उठाता है, और मैंने प्रेम के लिए हथियार उठाया है। वो बच्चा इस दुनिया में आकर रहेगा।